हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैप शेयर के बारे। इसका एक शॉर्ट नाम और भी है मैप इंफ्रा, और इसका पूरा नाम है मैप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। आज हम लोग मैप शेयर का ये चार टॉपिक जानने वाले हैं, रिटर्न, शेयर होल्डिंग्स, टारगेट एंड स्टॉप लॉस और फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग टॉपिक्स पे। चलते हैं हम लोग रिटर्न्स चार्ट पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको मैप इंफ्रा शॉर्ट नाम से आपको मिल रहा है, ठीक है। देखिए, दो ही बस पॉजिटिव रिटर्न है वीकली और मंथली में, बाकी हर जगह नेगेटिव रिटर्न है। रिटर्न के मुकाबले बहुत ही घटिया रिटर्न दिया है, ठीक है। अपने निवेशकों को सिर्फ निवास ही किया है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में बस दो ही पॉजिटिव रिटर्न है, और ये शॉर्ट टर्म तो पूरा खाली है, और ये लॉन्ग टर्म तो देख सकते हैं आप सब नेगेटिव है। तो चलिए अब हम लोग चल के इसका शेयर होल्डिंग्स देखते हैं एक बार। शेयर होल्डिंग्स की बात करें फ्रेंड, तो शेयर होल्डिंग भी उतनी अच्छी खासी नहीं है। देख सकते हैं प्रमोटर के पास 41.27% की होल्डिंग है, DII के पास 3.95% की होल्डिंग है, सॉरी DII के पास 5.6% की होल्डिंग है, ये FII के पास 3.95% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 49.17% की होल्डिंग है, अदर होल्डिंग 0.01% है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने शेयर होल्डिंग का चार्ट देखा और रिटर्न्स का चार्ट देखा। अब हम लोग चलते हैं कैंडल का चार्ट देखते हैं और वहाँ जानते हैं कि इसका अगला टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग डे कैंडल का यूज़ करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए वीकली या मंथली कैंडल का यूज़ करेंगे। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग मैप शेयर के चार्ट पे। देखिए, यहाँ पे मैप के नाम से है, जबकि अभी फंडामेंटल्स पे ले जाऊँगा तो मैप इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको इसके तीनों नाम बताए हैं, मैप इंफ्रा और मैप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, ठीक है फ्रेंड। आप लोग याद रखिएगा, मैंने डे कैंडल सेट कर लिया है। ये डे कैंडल है शॉर्ट टर्म के टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए है, ठीक है। तो डे कैंडल पर इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 13.90 रुपये का, सेकेंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 16 रुपये का, और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 18.30 रुपये का, 18.30 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 11.80 रुपये का, इसका सेकेंड स्टॉप लॉस होगा 10.50 रुपये का, और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 9.70 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। तो हमने शॉर्ट टर्म पे अभी टारगेट और स्टॉप लॉस जाना, अब लॉन्ग टर्म पे हम लोग जानेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग वीकली कैंडल का यूज़ करेंगे या मंथली, मैं ले रहा हूँ वीकली। लॉन्ग टर्म पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 20 रुपये का, सेकेंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 29 रुपये का, और थर्ड जो 29.50 रुपये का, सॉरी 29.50 रुपये का होगा, और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 41.65 रुपये, मतलब 41.65 रुपया, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा 7.85 रुपये, 7.85 रुपया, इसका सेकेंड स्टॉप लॉस हो जाएगा 4.90 रुपये, मतलब 4.90 रुपया, ठीक है फ्रेंड। तो हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस जाना फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल्स पे, जहाँ मैं आपको ओवरव्यू, इवेंट्स, लास्ट इवेंट डेट और न्यूज़ वगैरह बताऊंगा। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग फंडामेंटल्स पे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, इसका यहाँ पे अलग नाम है मैप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, यह स्मॉल कैप का शेयर है। यहाँ देख लीजिए, नाम आपको दिख जाएगा यहाँ पर अगर पूरी नहीं आई है तो। मार्केट कैप की बात करें फ्रेंड, तो देखिए 217 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ये एक स्मॉल कैप का शेयर है। 52 वीक हाई की बात करें 21.20 रुपये है, 52 वीक लो की बात करें 9.80 रुपये है। मंथली रिटर्न देखिए 0.43% का पॉजिटिव रिटर्न है, ईयरली रिटर्न देखिए लगभग 30% का नेगेटिव रिटर्न है। शेयर होल्डर्स की बात करें 28.009 के शेयर होल्डर्स है, ठीक है। पी ई रेशियो की बात करें -1 है, और पी वी रेशियो की बात करें -2.04 है। तो ये देख सकते हैं दोनों ही नेगेटिव में है, बहुत ही ख़राब कंडीशन है। तो अब हम लोग एक बार चल के इसका इवेंट्स देखते हैं फ्रेंड, इवेंट्स लास्ट डेट। तो फ्रेंड, इससे पहले जो इवेंट का अनाउंसमेंट हुआ था वो 19 अगस्त को हुआ था, और लास्ट जो हुआ है वो 31 अगस्त को इसका इवेंट जो अनाउंसमेंट हुआ है। अब हम लोग चल के एक बार इसका न्यूज़ भी देखते हैं। न्यूज़ की बात
करें फ्रेंड, तो यहाँ पे एक न्यू शो हो रहा है जो कि 4 वीक पुराना है, ठीक है। तो हम लोग इस शेयर पे किसी भी टाइप की न्यूज़ के बात नहीं करेंगे, लेटेस्ट होता तो हम लोग बात करते। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।